भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते। तो देखिए, फूड लाइसेंस के जो प्रोसेस है वो 1 नवंबर 2020 से कुछ सिस्टम बदल गए, उनके वेबसाइट बदल चुका है। तो आपको ये वेबसाइट पे जाना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते। ये इंडियन रेलवे में यदि आपको फूड सप्लाई करना है या स्ट्रीट फूड के लिए आपको अप्लाई करना है, आप कोई भी आपका शॉप्स है, जनरल स्टोर है, जहाँ पे आप कोई भी फूड्स के प्रोडक्ट्स रखते हैं और वो आप सप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको फूड लाइसेंस मैंडेटरी है, चाहे आपका टी स्टॉल हो कहीं पर। तो देखिए, फूड लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपको बता दें, छोटे लेवल पे जो हम लोग फूड लाइसेंस निकालते हैं उसके लिए नॉमिनल एक फीस है जो 100 रुपीज है, और वो आपको आपके नियरेस्ट कॉरपोरेशन जो भी है वहां से आपको इशू होता है। तो किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है, और ये सभी प्रोसेस ऑनलाइन होता है, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसका साइट है, ये साइट के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जब आपको अप्रूवल हो जाएगा तो आपको कैसा मिलेगा फूड लाइसेंस वो देखते हैं। पहले इस तरीके से आपको फूड लाइसेंस आपको मिलेगा, जो आपको मेल आईडी पे आएगा। तो देखिए, ये आपको फूड लाइसेंस मुझे आया है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये 4 पेज का फूड लाइसेंस है जिसमें एक आईडी कार्ड वगैरह सभी आपको यहाँ पे मिलता है, और ये आपका पहले वाला आपका फूड लाइसेंस है। ये आपको फूड लाइसेंस में बारकोड और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर्स के लिए होती है, 1 साल तक वैलिडिटी है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से आपको 100 रुपीज दे के रिन्यूअल करना पड़ता है। फूड लाइसेंस के लिए इस तरीके से आपको मेल आता है हेल्प डेस्क का, फूड लाइसेंस के तरफ से, जब आपका फूड लाइसेंस इशू हो गया तो आपको इसका अप्रूवल हो जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे साइड पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक हेयर करता हूँ। यहाँ पे आपका लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप पे जाके आपको ये पूरे डिटेल्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लॉगिन बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है या मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसको सबमिट, मुझे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पे इनपुट करना है। यह हमारा फूड लाइसेंस के लिए वेरीफाई हो गया। यहाँ पे मैं आज एक गेस्ट यूजर पे हूँ। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले वाला आपको लिंक बताया, तो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करके आप फूड लाइसेंस बना सकते हैं, और एज ए गेस्ट यूजर की तरह भी आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। पहले यदि आपका इनकम्प्लीट वगैरह है या सबमिटेड किया है, पेमेंट पेंडिंग है, या फिर आपको अभी तक आपने सब कुछ अपलोड किया है और आपको अभी तक उसका अप्रूवल नहीं मिला है, तो ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको स्टेट चूज करना है, जो आप कौन से स्टेट के लिए फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ सभी स्टेट्स के नाम है, जैसे कि मैं महाराष्ट्र का आपको दिखा रहा हूँ, तो महाराष्ट्र का दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको उसके आगे है मैन्युफैक्चरर है, ट्रेड है, फूड लाइसेंस है, एयरपोर्ट का है, सी फूड का है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, मिड डे मील है। आपको किस तरीके का आपको फूड लाइसेंस निकालना है, यदि आप मैन्युफैक्चरर में है तो आप मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके का है। यहाँ पे सिर्फ छोटे यूनिट वाले के लिए, मैं पहले ही बताया, तो डेयरी यूनिट्स, तो अप टू 500 एलडीपी ऑफ मिल्क, अप टू 2.5 मेट्रिक टन ऑफ मिल्क है पर एनम। यहाँ पे यदि आप मिल्क में है तो इतने तक के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम वेजिटेबल्स वगैरह के लिए है, जो आपका टर्नओवर 12 लाख पर एनम से कम होना चाहिए वेजिटेबल ऑयल के लिए। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई सा भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ट्रेड या रिटेलर है, आपको रिटेलर है तो रिटेलर में क्या क्या आता है, देखिए रिटेलर में स्टोरेज का है, जो आपके पास यदि स्टोरेज है तो आप स्टोरेज के लिए आप डाल सकते हैं, आपका 12 लाख से नीचे का टर्नओवर होना चाहिए। या फिर कोल्ड रेफ्रिजरेटर है तो आप उसके लिए 12 लाख का है। होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, यदि आप होलसेलर है और होलसेलर के लिए आप चाहिए तो उसका भी 12 लाख से एनुअल से कम का यदि होगा तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप रिटेलर हैं तो रिटेलर के लिए भी यहां पे है, कोई भी फूड का आप रिटेल बिजनेस करना चाहते हैं तो रिटेल के लिए आप यहां से इशू कर सकते हैं।
या फूड वेंडिंग एजेंसीज, यदि आप कोई फूड वगैरह या वेजिटेबल बेचते हैं ऑन स्ट्रीट पे या कैसे भी, तो आप उसके लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है फूड लाइसेंस के लिए। फूड सर्विसेज, जैसे कि आप पार्टी वगैरह में फूड देते हैं, या हॉकर लाइसेंस चाहिए, जैसे कि आप यहाँ वहाँ भी आते हैं, मोबाइल वेंडर चाहिए, रेस्टोरेंट का चाहिए, तो आप यहाँ पे सभी कैंटीन खोलना है या होटल खोलना है, तो आप उसके हिसाब से भी यहाँ पे इसके लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। पर सबकी टर्नओवर 12 लाख से नीचे का हुआ तो ही आप इसके लिए अप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे सभी तरह का मिड डे मील है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे छोटा एक चाय का स्टॉल डालना है, तो मैं उसके लिए देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ टी शॉप्स के लिए और यहाँ पे प्रोसीड। देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेस। यहाँ पे मुझे अपना कंपनी का नाम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देता हूँ, नगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन। इसके नाम से मुझे लाइसेंस चाहिए। इंडिविजुअल है आपका कंपनी किस तरीके का है, यदि पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप, प्रोपराइटर है, इंडिविजुअल प्रोपराइटर दोनों एक ही हो जाएगा, या कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर्स है, तो जैसा चाहिए उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। यदि आप इंडिविजुअल है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कोई भी दूसरा कोई पार्टनर नहीं है, तो मैं इंडिविजुअल डाल देता हूँ। यदि आपका कोई कंपनी का नाम नहीं है, आपका खुद का नाम है, तो यहाँ पे आप खुद का ही नाम डालेंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, प्रॉपर वे से आपका एड्रेस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, मैं यहाँ पे पुणे पीएमसी, सब डिविजन, जैसे ही पुणे पीएमसी लेंगे यहाँ पे सबका सब डिविजन आपको मिल जाएगा, तो आपका कौन से एरिया में आपका सब डिविजन है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाल दिया विलेज, उसके हिसाब से आपका विलेज नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज आपका यदि पुणे के पीएमसी में नहीं आता है और आपका पुणे रूरल में आता है, तो आप पुणे या फिर पुणे पीएमसी दोनों में आप चूज कर सकते हैं, इसके हिसाब से आपको ये भी आ जाएगा। तो देखिए उसके हिसाब से क्या क्या आ रहा है, तो ये एरिया आपके हिसाब से होना चाहिए, तो आप यहाँ पे चूज करके देख सकते हैं जो आपका एरिया कौन से इस पे आता है, या फिर पुणे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप चूज करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक चूज कर लेता हूँ, विलेज नॉट एप्लीकेबल हो गया। नियरेस्ट लैंडमार्क मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो आपका ये एड्रेस, एड्रेस मेरा सेम है पहले ऊपर का ही, यहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया, या कॉरेस्पोंडेंस आप दूसरा भी डाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये आपको सब इनपुट करना है। ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट पर्सन जो आपका नाम होगा, यदि ऊपर में आपने नाम आपके नाम से लाइसेंस चाहिए तो दोनों जगह पे आप सेम भी डाल सकते हैं। नंबर्स ऑफ Years you want to apply, कितने साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पहले ये सिर्फ 1 year के लिए मिलता था, अभी 5 साल के लिए। हर ईयर के लिए 500 rupees, 1 hour आपके लिए 100 rupees चार्ज पड़ता है। मैं यदि 2 साल के लिए अप्लाई करता हूँ तो 2 years, अभी यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो फ्रूट वेजिटेबल सेव एंड एड, मैं यहाँ पे मल्टीपल भी एड कर सकता हूँ। फूड प्रिपरेशन के लिए तो भी मैं यहाँ पे 7 ऐड कर सकता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल भी। आपने बिजनेस कब चालू किया उसका डेट आपको डालना है, 1 नवंबर से, 19 नवंबर से अभी चालू हुआ है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई कैसा है, पब्लिक है, प्राइवेट है, अदर्स है, या नॉट एप्लीकेबल है आपके पास सोर्स ऑफ वाटर, तो आपके पास कैसा है सोर्स है। मेरे पास कोई भी फूड के लिए वाटर की जरूरत नहीं, इसीलिए नॉट अप्लीकेबल कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर आप यूज करेंगे, यस, तो यस के लिए आपको सेंसन जो भी होगा, लोड होगा, उसका आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा।
यदि आप इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज नहीं करते हैं तो नो करके आप एग्जिट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपको फोटो डालना है, आइडेंटिटी प्रूफ डालना है और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालना है। देखिए यहाँ पे फोटो, जैसे कि मैं आप फोटो डाल देता हूँ, फोटो डाल दिया मैंने, आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या डालेंगे, तो यहाँ पे वोटर कार्ड, ये सभी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड्स के लिए प्रूफ है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आधार कार्ड डाल दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करना है। तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, यहाँ में से आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है न्यू लाइसेंस के लिए। प्रोडक्शन यूनिट का फोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पे आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है। ये सब में कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पहले से बना हुआ है, मैं वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सबको अपलोड, आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा सब अपलोड करने के बाद। ऑनलाइन करना चाहते हैं या चालान के थ्रू? तो ऑनलाइन मैंने 2 साल के लिए किया था, इससे 200, 1 साल के लिए करता तो 100, इसको अभी पे करना। देखिए मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया सभी, यहाँ पे देख सकते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। इसमें से हमने एक प्रूफ ऑफ परम, जो मेरा शॉप्स का जो डिटेल्स था वो यहाँ पे, शॉप एक्ट वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके प्रूफ है शॉप्स के रिगार्डिंग, या फिर आपका जो भी दूर बिजनेस का प्रूफ है वो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद मैं इसको पे पे क्लिक करूँ। आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर देंगे आपको यहाँ पे अप्रूवल के लिए आ जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना तक भी जाता है कभी कभी। जैसे ही आपको अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा, और अप्रूवल जैसे मिल जाएगा आपको वहाँ पे मेल इस तरीके से आपको आ जाएगा। जब मेल आ जाएगा तो आपको वहाँ पे लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। ये आपके लाइसेंस निकालने के, फूड लाइसेंस निकालने का पूरा डिटेल्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।